अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं सब? आप दोनों ठीक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। बच्चा कौन है? ये मेरा भांजा है। अच्छा अच्छा, प्यारा है माशा। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ बस मैंने सोचा कि क्यों ना आज खुद से ही बातें कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, कभी कभी बंदे को खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले तो आप दोनों से मैं ये पूछूंगा कि आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या करते हैं दोनों। मैं तो यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। हाँ मैं टीचिंग करता हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस में और एक दो यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर होता है और इवनिंग में एकेडमीज में। जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग का क्या स्कोप है? मतलब आज के दौर में जैसे कि आईटी का, इन चीज़ों का इतना ज़्यादा स्कोप है? नहीं बिल्कुल, टीचिंग का स्कोप है। हम टीचर हमारे माशरे का एक फ़र्द और हाँ बिल्कुल सोसाइटी टीचर बनाता है और बहुत अहम रोल प्ले। नहीं वो यूट्यूब की बात कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भाई। यूट्यूब पर देखा जाए तो ये कि इंडिया के अंदर ज़्यादा स्कोप है, मगर यहाँ ये कि थोड़ा सा कम है, उनके मुकाबले में एवरेज है, मगर ये नहीं कह सकते कि कोई बुरा है। अच्छा, बिल्कुल बुरा। तो सही अच्छा, है आप टीचर हैं, आप हमारे देखने वालों को क्या अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि भाई जो आपने लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी हों जो आप हमारे व्यूअर्स को बता मैं दें। बस ये कहूँगा कि बस मोटिवेट रहें, खुद को मोटिवेट रखें, कभी डीमोटिवेट ना हो। डीमोटिवेट जो आपको कर रहे हो उन लोगों का पीछा छोड़ दें। और दूसरा ये है कि आप हसद करने वालों का और मफाद परस्त लोगों को हाँ से भी दूर रहें। सही कह रहे हैं। और दूसरी है कि आपकी कामयाबी को अपनी नाकामी समझने वाले जो हैं उनसे थोड़ा सा आप दूर रहें। अच्छा आप अपनी फील्ड के बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे इंटरनेट पे आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसका मुकाबला करने के लिए फिर आपको मैदान में आना पड़ेगा ना। हाँ फिर आपको उसके या तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो के दौर के हिसाब तो से। या तो आप सिर्फ बैठे हुए फेसबुक पे या दूसरे सोशल अकाउंट्स पर खुद को स्क्रोल ही बस ना करते रहें, फेसबुक को इंस्टा को। बस आप खुद आए ना किसी फील्ड के अंदर आए, आप अपना टैलेंट दिखाएं। क्या बस स्क्रोल करके ही आपने जो है तो आप पॉजिटिव? मैं बिल्कुल आपकी बातों से 100% लोगों को एक हाँ लोगों को एक मैसेज दें। चलें बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोनों का टाइम देने का, आपने हमें बुलाया।